फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेश होके चाय बनाने के लिए। तो आज मैं चाय के साथ बनाऊंगी ब्रेड। बहुत दिन हो गए ब्रेड खाए हुए, फ्रिज में ऐसे ही रखी थी तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा आज मैं ब्रेड को सेक के घी पे अच्छे से और ब्रेड पे जैम लगा के खाऊंगी। बहुत दिन हो गए ब्रेड जैम खाए हुए। तो यहाँ पे मैंने ना दूध वाले भगोने में ही ना चाय रख दी थी बनने के लिए। ये चांस का दूध इसमें मैंने उबाला था, तो दूध को किसी और बर्तन में करके चाय इसी में ही रख दी, क्योंकि कोनों कोनों में ना बहुत मलाई लगी रहती है तो चाय उसमें बनती है ना तो मलाई भी यूज़ हो जाती है। तो फ्रिज में से निकाल ली थी मैंने ये ब्रेड और बस तवा रख दिया था और इनको अच्छे से घी में ना सेक लूँगी। बहुत दिन से ना मैं सोच रही थी कि क्या नाश्ता बनाऊँ, मतलब रोज़ रोज़ क्या ही बनाऊँ, समझ ही नहीं आता, खाली चाय पी नहीं जाती है नमकीन बिस्किट से, तो मैं बोर ही हो गई हूँ बिल्कुल। तो और डॉक्टर ने भी खाया कुछ हेल्दी खाया करो सुबह सुबह, तो हेल्दी तो रोज़ नहीं खाया जाता है क्योंकि मन चटपटा खाने का करता है, कभी कुछ खाने का करता है। तो ऐसे टाइम में ना, मतलब मुझे तो कुछ कुछ खाने का मन करता है। अभी जैसे एक दिन पहले मेरा वाइट सॉस पास्ता खाने का इतना दिल था, और वो भी कब, रात के 12 बजे। अब 12 बजे कौन कहाँ से लाए, कहाँ से आए पास्ता। तो ऐसा ही होता है इस टाइम ना, कुछ कुछ मन करता है खाने का और मेरा तो ना चटपटा ज़्यादा मन करता है खाने का। तो बस यहाँ पे ना मैंने 4 ही ब्रेड ली थी, क्योंकि जियांस के पापा ना वो मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊँगा, तो मैंने कहा एक ले लेना आप, 3 मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे ना इसको सील पैक कर दूँगी मैं ब्रेड के पैकेट को, फिर इसमें हवा नहीं जाती तो ये सही रहती है, ख़राब नहीं होती। और जियांस उसके पापा जो हैं अंदर लेटे हैं कमरे में, फ्रेश हो गए हैं सब, और बस चाय नाश्ता करके आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं, उसके बाद बहुत सारा घर का काम है। तो घी जो है ना जम रहा था, ये इतनी गर्मी में भी ये जम रहा था, तो इसको ना मैंने तवे के ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा ही पिघल जाएगा और इसके बाद ब्रेड पे ना लगाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये तवे पे हो ही नहीं रहा था काफ़ी देर तक, क्योंकि बहुत जम सी रहा था ये घी, तो मैंने ना इसको गैस पे रख दिया डायरेक्ट, ताकि ये अच्छे से पिघल जाए और अच्छे से ब्रेड पे स्प्रेड हो जाए, उसके बाद ब्रेड अच्छे से सिक जाए। ब्रेड ना अच्छे से मैंने सेक ली थी, और ना मैं इनको तवे पे इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये करकरारी सी हो जाए। मुझे ना करकरारी ब्रेड ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब सोगी सोगी सी नहीं अच्छी लगती, ऐसे जिसमें ना जो क्रिस्पी हो ना खूब, तवे पे थोड़ी देर उसे डाल दो ना तो क्रिस्पी हो जाती है खूब, तो उस तरह की मुझे ब्रेड अच्छी लगती है चाय के साथ। तो यहाँ पे जेंस के पापा और अपने लिए मैंने चाय डाल ली थी कप में, और बस मैं ले लूँगी ब्रेड और उनके लिए मैंने ले ली थी नमकीन। तो ये है आज हमारा सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का सा। तो बस चलो उन्हें देती हूँ, और नाश्ता करने के बाद, थोड़ी देर बैठने के बाद, थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मैं आ गई दोबारा किचन में। मुझे याद आया कि नाश्ते के बाद मेरी एक दवाई है, वो डॉक्टर ने लिखी हुई है कि वो भी लेनी है, तो नाश्ते के बाद वो दवाई मैं यहाँ पर लूँगी। और दवाई अक्सर मैं भूल जाती हूँ, सुबह वाली तो मैं भूल ही जाती हूँ, दोपहर वाली तो मुझे याद रहती है कैल्शियम की, बट ये सुबह वाली जो नाश्ते के बाद है ना, ये उन्होंने दी हुई है उल्टी की। 2-3 दिन से ना उल्टी की ऐसी शिकायत है ना कि मतलब कि बिना कुछ खाए ही ऐसा मन करता है कि खाए ही नहीं जाएगा कुछ भी। और देखो दवाई खाने में ना मुझे ना बहुत, बस क्या बताऊँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं चाहती दवाई खाना, मुझे बहुत बुरी लगती है दवाई खाना। और इसको ना मैं बिल्कुल गले के एंड पे रख के, और जब पानी पीती हूँ इसका टेस्ट बिल्कुल ना आए गले में, इसीलिए। तो बस दवाई खाना मेरे लिए सबसे बड़ी जंग है, रोज़ जीतती हूँ।
और बस उसके दवाई ले ली। उसके बाद थोड़ी देर में अंदर गई जी, आंख को थोड़ा सा प्यार किया, वो टीवी देख रहा था और सोच रही थी कि आज क्या बनाऊंगी खाने में, तो आलू और टमाटर की सब्ज़ी डिसाइड हुई क्योंकि हरी सब्ज़ी वाला कोई आ नहीं रहा था और हरी सब्ज़ी घर में थी भी नहीं। और ये देखो उठने में ना मतलब बस पूछो मत, बड़ी दिक्कत होती है। एक बार बैठ तो जाती हूँ आराम से, लेकिन उठने में ना बड़ा दिक्कत होती है मुझे। तो ले लिए थे मैंने यहाँ पे 4-5 ये आलू और बस उनको अच्छे से मैं यहाँ पे छील लूँगी। आज मैं आलू और टमाटर की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, इसमें ना कोई लहसुन ना कोई प्याज कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ आलू और टमाटर की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है वाली सब्ज़ी। आलू को मैंने अच्छे से काट के धुल के साइड में रख लिया है और बस लिए 2 बड़े टमाटर। इन्हीं से ही मैं इस सब्ज़ी को बनाऊंगी, इसमें कोई लहसुन प्याज तो जाने वाला है नहीं। तो टमाटर मैंने 2 लिए हैं और शायद मैंने बाद में 1 भी लिया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो बस यहाँ ये सब्ज़ी मैं बनाऊंगी कुकर में और कई सीटी इसमें लगेंगी तो ये ना ऐसी बन जाएगी भंडारे वाली जैसी आलू की सब्ज़ी होती है ना। तो मैंने सोचा मैं ना ऐसे ही काट के कच्चे आलू ऐसे ही उबालती, मतलब ऐसे ही बनाती हूँ। उबाल के बनाने वाला प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है, पहले आलू उबालो और फिर बनाओ, वो भी टेस्टी लगती है। बट मैंने सोचा मैं ना ऐसे ही कच्चे आलू है कई सारी सीटी इसमें लगवा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने छोटे वाला अपना कुकर ले लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे सारे ना मसाले वगैरह देख रही हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या डालना है, क्योंकि रेगुलर मसाला तो इसमें जाएगा ही, लेकिन इसमें कुछ शुरुआत में जीरे के साथ ना इसमें मेथी के दाने, साबुत धनिया से मैं इसका छौंक लगाऊंगी। तो मैं ना सारे ड्रॉज में ना देख रही थी कहाँ कौन सा मसाला मैंने रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी ही मेथी का और साबुत धनिया का ना छौंक लगता है, डेली सब्जी में तो जीरे का ही जाता है। तो बस थोड़े थोड़े से ना मैंने इसमें से मेथी के दाने और साबुत धनिया और थोड़ा सा जीरा, ये 3 चीज़ ली थी। और तेल ले लूँगी मैं 1 करछी से थोड़ा सा कम, क्योंकि सब्ज़ी आप देख सकते हो मेरी उतनी ज़्यादा है नहीं है, 4-5 ही आलू थे, ज़्यादा नहीं है सब्ज़ी। तो बस यही सब्ज़ी जब मैं इसको आलू को फोड़ दूँगी ना बाद में, तो यही सब्ज़ी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बस ये मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले लिए हैं। तो बस इसी से ही मैं छौंकूंगी और ये बड़ी ही टेस्टी बनी थी सच में। और बहुत ऐसी सब्ज़ी ना मतलब पूरी के साथ अच्छी लगती है, बट पूरी वगैरह मैं आजकल ना अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि पूरी से गैस बन जाती है, ऑयली ज़्यादा होती है और गर्मी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हो रही है, तो ऑयली चीज़ें तो इग्नोर ही मार रही हूँ मैं आजकल। तो इसके साथ मैंने सिंपल रोटी और चावल ही बनाए थे और बस इसमें टमाटर है वो डाल दिया जैसे ही मेरे मसाले भुन गए थे। उसके बाद टमाटर है, टमाटर भी गलाने के लिए मैं इसमें नमक डाल दूँगी और ये 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी थी बस ऊपर से, सिंपल सा छौंक है, इसमें कुछ भी नहीं है और बनती बड़ी टेस्टी है ये। थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि आलू आसानी से गल जाएं जल्दी से, आलू नहीं सॉरी टमाटर। तो बस ये देखो टमाटर कितनी जल्दी गल गए और कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसके बाद फटाफट से इसमें कटे हुए आलू मैं यहाँ पर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और सारे के सारे जो भी मसाले होते हैं रेगुलर वही मैं डाल रही हूँ। बस इसमें किचन किंग मसाला मैंने डाला था एक्स्ट्रा, बाकी और कुछ नहीं डाला। गरम मसाला मैं सोच रही थी डालने का बट मैंने फिर डाला नहीं, क्योंकि वही है ना गर्मी हो रही है तो मैंने इसलिए अवॉइड कर दिया वो। और उसके बाद डाल दिया बस खूब सारा पानी ताकि अच्छे से सीटी इसमें 5-6 आएंगी तो पानी की कमी ना होए, नहीं तो आलू नीचे लग जाएंगे और आलू ढंग से गलेंगे भी नहीं। ये आजकल जो डायमंड के आलू वैसे भी जल्दी से गलते नहीं हैं, तो इन्हें गलाने के लिए काफ़ी सीटी वगैरह लगानी पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा सा ना मसाला और चटपटा सा खाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा और डाल दिया
उसके बाद ही लास्ट में डाल लूँ किचन किंग मसाला, जो कि किसी किसी सब्ज़ी में मैं डालती हूँ, हमेशा नहीं डालती, बस किसी किसी सब्ज़ी में डालती हूँ। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, ढक्कन लगा के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस मेरी सब्ज़ी अब हो जाएगी 15 या 20 मिनट में तैयार। देखो मेरी सीटी इसमें लगातार आ ही रही हैं, और मैंने एक ले लिया था बनाना, क्योंकि सुबह से मैंने बस नाश्ता ही किया था तो भूख लगने लगती है मुझे, खड़े नहीं हो जाता बिना खाए। तो मैंने पहले एक बनाना खाया अंदर बैठ के आराम से, उसके बाद मुझे याद आया कि आज धूप निकली हुई है और मैंने ना साबुत धनिया और लाल मिर्च मंगाई हुई है। मसाला बिल्कुल मेरे ख़त्म हो गए हैं, धनिया और मिर्च का पाउडर ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, और बाद में ना दिक्कत होगी कैसे पिसवाऊँगी, क्योंकि मुझे ना घर का पिसा हुआ ही अच्छा लगता है, मैं रेडीमेड नहीं यूज़ करती हूँ दो तीन चीज़ें। तो मैंने जान के पापा से ना राशन का, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने सामान मंगवाया था जान के पापा से, आधे किलो ये साबुत धनिया था, तो ये थाली में आया नहीं, तो मैंने परात में इसको कर दिया और बाहर निकल दी थी बहुत चिलचिलाती हुई बढ़िया धूप। तो मैं इसे जाऊँगी ऊपर रखने के लिए छत पर, और बस उसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया था। और नहाने से पहले मैंने सोचा ये जो सोफे हैं इन पे भी एक बार मैं कपड़ा मार दूँ, क्योंकि ये धूल बहुत ज़्यादा खींचते हैं, तो रोज़ तो इनकी सफाई नहीं हो पाती लेकिन तीसरे दिन मैं करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मुझे लिख के भी बताना कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो बस अपना काम मेरा हो गया, अब मैं जाऊंगी नहाने, मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।